A small signal voltage Vt is equal to V naught sine omega t is applied across an ideal capacitor C. Then अब पूछ रहा है कि फिर C करंट I और वोल्टेज V में क्या फेज होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, ये सारी बात अपने से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि क्या दे रखा है। दे रखा है कि स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt, तो Vt की वैल्यू देखें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। Vt की वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है Vt is equal to V naught sin omega t, ऐसा दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि पावर इन एसी सर्किट क्या होता है। पावर की अगर हम बात करें एसी सर्किट में, तो वो होता है आई आर एम एस, वी आर एम एस और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग एक बात और जानते हैं कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई कितना, रूट टू। और वी आर एम एस की बात करें तो वी आर एम एस की वैल्यू भी कितनी होती है, वी नॉट बाई रूट टू। अच्छा जी, एक बात तो अपने को पता चल गया। अब ये सभी वैल्यू अगर रखेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, पावर, पावर की वैल्यू आएगी आई नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई रूट टू इंटू उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। ओके, चलिए अब ये हम लोग जानते हैं, ये एक फार्मूला बनता है, लेकिन दरअसल इसकी ज़रूरत है नहीं। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखें जरा समझें। आप ऐसे ले सकते हैं पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस, वी आर एम एस और कितना, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब दूसरा देखें, कह रहा है कि ये आइडियल कैपेसिटर है, यानी आप कह सकते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिख भी लीजिएगा, इन अ प्योर कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट क्या होता है, द करेंट, लिख लीजिएगा द करेंट लीड्स वोल्टेज बाई कितना, बाई 90 डिग्री। तो बच्चों वी आर एम एस और आई आर एम एस में हमने कहा कि जो आई होता है वो लीड करता है किससे, वी से, कितना, 90 डिग्री, किसमें, प्योर कैपेसिटर सर्किट में। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पी इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 वैल्यू कितनी, जीरो। तो पावर जो कंज्यूम होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। पावर कंज्यूम जो होगा बेटा वो क्या आएगा, किसमें, इन प्योर कैपेसिटर, इन प्योर कैपेसिटर सर्किट, और दिया भी है आइडियल कैपेसिटर है, ठीक है। तो अब देखना जरा, समझना, जहाँ पे पावर कंज्यूम जीरो होता है, प्योर कैपेसिटी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज अ वाटलेस सर्किट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस बोलते हैं इसका, इसी जहाँ पे पावर कंज्यूम जीरो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, वाटलेस बोलते हैं। तो हम ऐसा बात बोल सकते हैं कि अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज अ वाटलेस सर्किट एंड ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं, आप ऐसा लिख भी पाएंगे, आप ऐसा कर भी पाएंगे, देखे जरा समझे। थोड़ी सी और भी चर्चाएं कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर की वैल्यू आ रही है, पावर कंज्यूम कितना आ रहा है, जीरो है। तो इस पॉइंट को एक बार लिख भी लें, ये पॉइंट क्या है कि आ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट इज अ वाटलेस, इसी को वाटलेस बोला जाता है, सर्किट किसके लिए भाई, सर्किट एंड ओवर अ फुल साइकिल, एंड ओवर अ फुल साइकिल, ओवर अ फुल फुल साइकिल, ओके। द कैपेसिटर, द कैपेसिटर, द कैपेसिटर सी डज नॉट, डज नॉट कंज्यूम, डज नॉट, डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, एनी एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। इसी को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं
वाटलेस। तो ऑप्शन क्या होगा जरा देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखो अच्छा, देखो इधर देखो, कह रहा है कि करंट आई इन फेज विद द वोल्टेज। नहीं भैया ऐसा तो नहीं होता है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री तो नहीं होता है, वो तो 90 डिग्री होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा अ करंट आई लीड्स वोल्टेज बाई 180 डिग्री। नहीं, वो तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये मैंने लिखा भी है ना यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट पर मैंने लिख दिया है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा भी, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ना, यह मैंने लिख भी दिया है। इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। कह रहा करंट आई टी लैग्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री। नहीं, लीड करता है करंट, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, वाटलेस बोलते हैं। जब कोई पावर कंज्यूम ना करे कैपेसिटर, पी की वैल्यू 0 हो जाए, और ये तभी होता है जब आई लीड करता है, बीच से एंगल बनता है 90 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।